तो गाइज आ गए आप सब। आप मेरे स्क्रीन पर ब्रश स्टेटस वीडियो एडिटिंग देख सकते होंगे। इसी तरह का वीडियो बनाना आज हम सीखने वाले हैं, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो काफ़ी गजब तरीका से। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके मोबाइल में एलाइट मोशन ऐप होना चाहिए। अगर आपको एलाइट मोशन ऐप मोड वर्जन चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पर लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप जिस पर आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। बस आप एक मैसेज कीजिएगा कि भाई हमको एलाइट मोशन मोड एपीके चाहिए, तो वहाँ पर तुरंत लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद चलिए एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और इस वीडियो में आप जो फोटो लगाना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा, उस फोटो को PNG में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे किया जाता है चलिए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सर्च करना है रिमूव डॉट बीजी। किस प्रकार से लिखना है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा और यहीं से सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपलोड इमेज, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा और जिस फोटो को आप PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको आप यहां से ऐड कीजिएगा, फिर यहीं से आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपके फोटो को PNG में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नीचे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके आप इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहीं से आप बैक आ जाइएगा और ओपन कीजिएगा एलाइट मोशन ऐप को। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद नीचे आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, 16:9 का रेशियो लीजिएगा, ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिएगा। उसके बाद यहीं से क्रिएट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहीं से आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और एक बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो चलिए उसको ऐड कर लेते हैं। तो हम उसको ऐड कर लिए। उसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, तो ऊपर आपको 3 डॉट लाइन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद आप जितना देर तक रखना चाहते हैं आप इसको रख लीजिएगा। तो हम इसका जो साइज है 30 सेकेंड तक कर लेते हैं, आप अपना कर लीजिएगा। तो इसका जो साइज है 30 सेकेंड तक कर दिए। उसके बाद कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, फिर यहीं से आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और अभी आप जो फोटो डाउनलोड किए PNG में उसको आप यहां से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने मतलब अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहीं से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप जैसे रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम को कुछ इस तरह से इतना रहने देते हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके इसको हम इस साइड ला करके सेट कर देते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगता है आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे ला करके यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद यहीं से बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका भी साइज इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसके इंड पॉइंट पर आएंगे और यहीं से ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इक्वल साइज में हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा और फिर से आप इसके स्टार्टिंग में जिएगा और यहीं से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और ब्रश वाला जो वीडियो क्लिप है उसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो हम उसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके हम इसको छोटा कर देते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना पे रखना चाहते हैं आप छोटा बड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर से हम कर लेंगे। इतना हो जाने बाद ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसके हेल्प से आप इसको इस साइड ला करके सेट कर दीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इतना हो जाने के बाद फिर यहीं से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका भी साइज देख लीजिएगा, इक्वल साइज में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको इक्वल साइज में कर लेते हैं, मेरा 30 सेकेंड का था तो हम इसको 30 सेकेंड कर लेते हैं, आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इतना रहने देते हैं। फिर से नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इफेक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहीं से एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रोमा की। अगर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट यहीं से सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा क्रोमा की, CHR, ठीक है,
ओ एम ए, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इतना इतना ही लिखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो हम अपने वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा इस साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरा ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को ऐड कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, फिर यहीं से आप बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा, फिर से आप इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, फिर यहीं से आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और इसमें आप जो वीडियो लगाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को ऐड कर लेते हैं, आप अपना कर लीजिएगा जो भी लगाना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम छोटा करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके हम इसको छोटा कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको कुछ इतना छोटा कर देते हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इतना हो जाने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको ऊपर यहाँ पर ला करके रख दीजिएगा, जहाँ पर ये वाला ब्रश जो है ना इसके ऊपर आपको वीडियो को ले जा करके रख देना है, ठीक है। ब्रश दिखाई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ला करके रख देंगे और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने वीडियो को। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम छोटा कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना रहने देते हैं, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो पीछे का जो ब्रश है वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर यहीं से जो बैक वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका भी साइज देख लीजिएगा, इक्वल साइज में है या फिर नहीं है, तो ये इक्वल साइज में है, आप यहाँ से देख सकते होंगे। इतना हो जाने के बाद कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो वीडियो का लेयर है इसको आपको नीचे कर देना है और ये जो ब्रश वाला जो लेयर है इसको आप ऊपर कर लीजिएगा। कैसे करना है चलिए करके दिखाते हैं। ये जो वीडियो वाला लेयर है इसके सामने यहाँ पर थ्री लाइन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पर आप दबा करके रखिएगा और इसको नीचे ला करके रख दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, तो आपके वीडियो पर ये ब्रश लग जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आई का आइकन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो इस पर आप प्रेस करके रखिएगा, दबा करके रखिएगा तो इस पर एक टिक लग जाएगा। फिर से नीचे वाला जो वीडियो वाला लेयर है इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद ऊपर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इसमें हम लिरिक्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप इसके स्टार्टिंग में ही रहिएगा और यहीं से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे और लिरिक्स वाले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ से छोटा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप यहाँ से छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम इसको कुछ इतना कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलते हैं ताकि हम देख सके कि मेरा जो लिरिक्स है कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इस पर से इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके हेल्प से हम यहाँ पर ला करके सेट कर देंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसको सेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको और भी छोटा कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसको रख लीजिएगा। इतना कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके हम इसको सेट कर देते हैं कुछ यहाँ पर, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद फिर यहीं से बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे, लाइटनिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो से ब्लैक कलर का जो भी बैकग्राउंड था यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम यहीं से बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका भी साइज आप देख लीजिएगा, इक्वल साइज में कर लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिट है, आप यहां से देख सकते होंगे। उसके बाद हम कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर देंगे, फिर से हम इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ये जितना भी लेयर है इस सब को हम एक लेयर में कर देंगे। कैसे करना है चलिए हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आई वाला जो आइकन है इस पर आप दबा करके रखिएगा और बारी बारी से आप सभी को टिक कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर आइएगा तो तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो सभी लेयर एक में मर्ज हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, एड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा और यहीं से अदर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर
पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा RGB, आप ध्यान से देखिएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा RGBA, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर चेंज करना होगा, ये जो जी वाला है इसको आप यहाँ से वाई पे क्लिक कर दीजिएगा और ये जो बी वाला है इसको भी आप यहाँ से वाई पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप जी पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से देख लीजिएगा, उस पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, बस यही आपको चेंज करना है। इतना हो जाने के बाद फिर यहीं से आप बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा। अब इसमें हमको लाइटिंग इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेना होगा, तो हम यहीं से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे और लाइटिंग इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम उस वीडियो को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको 3 डॉट लाइन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, कुछ इतना रहने दीजिएगा, फिर यहीं से आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, लाइटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लाइटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा ये वाला, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहीं से आप बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसका भी साइज आप देख लीजिएगा इक्वल में है या फिर नहीं है, तो ये इक्वल साइज में नहीं है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी करने के लिए इस पर आप रहिएगा और यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से कॉपी लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा और आप इसके इन पॉइंट पे आइएगा, फिर इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से पेस्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप इसको कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके इन पॉइंट पे आएंगे और फिर से हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं, तो ये इक्वल साइज में हो जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो मेरा जो वीडियो है बन के तैयार हो चुका है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर आपको एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, उसके बाद यहीं से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।